हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में आप सामान्य ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और जवाब देखेंगे, जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये आपके काम जरूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? आइए इसका सही जवाब जानते हैं। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। क्वेश्चन नंबर टू, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। आइए लाइन से जानते हैं कौन कौन से कर होते हैं। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तर आधारी कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि कर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विश्व का सबसे पुराना शुल्क क्या है? आइए जान लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना शुल्क सीमा शुल्क है। क्वेश्चन नंबर फोर, ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? आइए जान लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पेड़ का नाम शिकोया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, कुत्तों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, कुत्तों में कुल 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही जवाब है उदासीन। जी हाँ, शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से शरीर को क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और उससे हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर एट, विश्व तापमान में वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है? इसका सही जवाब है वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन और सूखा, अकाल एवं बाढ़। क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व में जीव जंतुओं का संरक्षण किसके द्वारा होता है? आइए जान लेते हैं, भारत में जीव जंतुओं का संरक्षण भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, क्या आप ये जानते हैं ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो आइए जान लेते हैं, मथुरा तेल शोधन शाला से निकले वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, जिससे ताजमहल को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।